हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ न्यूबॉर्न से रिलेटेड 10-12 ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास होनी चाहिए, जो आपको यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का प्रोटेक्शन भी रहता है और आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। खास बात इन 10-12 चीज़ों में ये है कि ये चीज़ें आपको आई थिंक कोई नहीं बताएगा। नॉर्मली ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी, सब कुछ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था और जो चीज़ें सक्सेसफुल रहीं वो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है सो दैट कि आपको कुछ भी मैं मिस ना करूं बताने में। तो आज बेसिकली मैं 2 या 3 वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपको आने वाले टाइम में 2-3 वीडियोज रिलेटेड टू न्यूबॉर्न केयर वो आपको मिलेंगे। तो यस, विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पूरी टेबल पे बहुत सारा और भी सामान यहाँ पर रख लिया है ताकि मैं सारा वीडियो बना लूं और आप लोगों को सारी चीज़ें जो बची हैं मेरे पास, क्योंकि मेरा बच्चा तो अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसकी न्यूबॉर्न वाली चीज़ें अभी मेरे पास जो फिनिश होगी तो मैंने दोबारा नहीं खरीदी, बट बहुत सारी चीज़ें बची भी हुई हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वाला दूंगी जो मैंने यूज़ किया है, तो आपको अगर देखना है चाहिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मस्ट हैव चीज़ से, जो कि है ये स्ट्रिप थर्मामीटर। ये बेसिकली इस तरीके से रहता है, स्ट्रिप के फॉर्म में रहता है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से रहता है और इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही इजी टू यूज़ होता है। इस तरीके से अपने बेबी के फोरहेड पे आपको लगाना होता है और ये एडल्ट्स को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं दूर से आपको टच करके दिखा रही हूँ, इसमें मेंशन है कि कोई भी एडल्ट अपने फोरहेड पे इसको ना रखे। ओके, सो ये इस तरीके से रहता है। यहाँ पर पूरे थर्मो टेम्परेचर्स पूरे दिए हुए, जो आपके नॉर्मल थर्मामीटर में रहता है वो सब कुछ यहाँ पर ऊपर और नीचे मेंशन है। और बीच में जो आपको ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है ये कलर चेंज करती है और उससे आप बच्चे का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो कि उसको फीवर है तो कितना है, नहीं है, क्या है, वो सब कुछ इससे मेजर हो जाता है। सो ये मुझे बहुत 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 परफेक्ट चीज़ लगी और मुझे लगता है कि ये आप सबके पास में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का टेम्परेचर लेना जो है वो एक टास्क होता है। एंड आई थिंक ये टूट गया इसका केस, नो इश्यूज। तो इसका मतलब यूज़ करना ये बहुत ही आसानी होता है, बच्चा जब सो रहा होता है तब आप ले सकते हो, कभी भी इसको आराम से बस फोरहेड पर चिपकाया और टेम्परेचर आ जाता है विद इन 30-40 सेकेंड्स। और ये एक्यूरेट रहता है, इसमें कहीं भी कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि इसने ज़्यादा या कम टेम्परेचर बता दिया हो। ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, मैंने इसे मीमी ब्रांड का लिया था, और भी कुछ ब्रांड्स में अवेलेबल है बट ये मुझे अफोर्डेबल भी रहा। कुछ ब्रांड्स हैं जो मुझे बहुत पसंद भी आए, अफोर्डेबल भी हैं और मेरा उन पर ट्रस्ट है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें सेम ब्रांड की देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी चीज़ें इनमें से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तब मेरा चैनल भी नहीं था, मेरे दिमाग में भी नहीं था चैनल का, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद लिए हैं, ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इनकेस अगर इसका डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों को चाहिए, इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे बताइएगा और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये इस तरीके का मॉस्किटो स्प्रे या रोल ऑन होता है। ये तो रोल ऑन है, आप लोगों ने देखा ही होगा कॉमनली। ये गुड नाइट का है, यस गुड नाइट का है ये, और ये तो मैंने अभी ख़रीदा है, मतलब पिछले साल कुछ ख़रीदा होगा ऐसे, जब मैं भूल गई थी अपना ये वाला स्प्रे ले जाना। ये है, और इसके अलावा मेरे पास एक स्प्रे और भी था जो कि ख़त्म हो चुका था, मैंने सेकंड स्प्रे लिया था लेकिन ये मेरा पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा आरफ बड़ा हो गया, तो मैं इसको ले जाना ही भूल जाती हूँ और फिर मैं जब जहाँ जाती हूँ वहाँ से ये छोटा छोटा सा खरीदती हूँ। ये कितने का आता है, 75 रुपीज़ का है, ये भी कोई वैसे सस्ता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत लंबी चल जाती है। जब आप बाहर जा रहे हो या फिर आपके घर में भी बहुत सारे मॉस्किटोज का अगर कुछ चांस है तो अपने बच्चों के कपड़ों पर आप ये रोल ऑन कर सकते हो। और ये बच्चों के लिए इस तरीके से बने रहते हैं कि इनमें ये मतलब बेसिकली हर्बल बेस्ड रहते हैं, कुछ इनमें केमिकल नहीं होता, बट आपको अपनी बेबी की स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सो एक और ये है, ये मैंने स्ट्राइक के जो यहाँ पर लोकल शोरूम्स होते हैं वहाँ से मैंने इसको ख़रीदा था, इसका ढक्कन कहीं खो गया है। और एक और था, तो मैं इसके 2-3 ऑप्शंस जो मैंने ट्राई किए हैं वो आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट ये मेरे हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल कह सकते एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं नहीं लेके गई थी, और छोटे बच्चों की स्किन पे मॉस्किटो बाइट करते हैं तो कई बार वो नॉर्मली हील हो जाता है बट कई बार वो वूंड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी मॉस्किटो बाइट बेबी की स्किन पे ना होने पाए। तो उसके लिए ये सिर्फ मच्छर के लिए ही नहीं, जो भी कीड़े मकोड़े जो भी इंसेक्ट बाइट होते हैं बच्चों को वो सब चीज़ों से बचाएगा आपके बेबी को। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है स्टेरलाइज़र। स्टेरलाइज़र मैंने फिलिप्स का लिया था, अभी रखा हुआ है, या तो मैं इसकी फोटो लगा दूंगी नहीं तो उसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टेरलाइज़र आपके पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बच्चों की कोई भी पैसिफायर्स है या कोई भी ऐसा चीज़, और स्टेरलाइज़र ऐसा नहीं है कि आपको न्यूबॉर्न जस्ट बच्चा हुआ तभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपको जैसे ही बच्चा बॉटल फीड करता है तब आपको बॉटल्स जो है वो आपको
स्टेरलाइज करनी पड़ती है। और अगर आप फॉर्मूला फेड कर रहे हैं अपने बेबी को, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो फिर आपकी बॉटल जो है वो तो डे वन से ही शुरू हो जाती है, तो उसमें आपको बॉटल्स को स्टेरलाइज करना ही होता है। एंड मैंने ऐसा फील किया है, मैंने स्टेरलाइजर शुरू में नहीं लिया था, आरब ने जब बॉटल फीड करना स्टार्ट किया था, यानी कि 6+ मंथ में मैंने स्टेरलाइजर खरीदा था, क्योंकि उसके पहले मैं बॉटल्स खुद स्टेरलाइज कर रही थी। देन मुझे फील हुआ कि मुझे स्टेरलाइजर जब मेरे पास होगा तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और मैं कभी भी उसके जो भी स्टेरलाइजिंग प्रोसेस है बॉटल की या फिर पैसिफायर्स की या फिर टीदर्स की या फिर जो भी चीज़ वो यूज़ कर रहा है, सब कुछ स्टेरलाइजर में एक साथ बिना किसी झंझट के मैस के स्टेरलाइज हो जाता है। तो मुझे वो बहुत ही सही ऑप्शन लगा। एंड देन आई रियलाइज कि इसे डे वन से लेना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं, वर्किंग मॉम्स हैं जो भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आलस में हम रह जाते हैं और बॉटल जो है वो हमारी नहीं हम कर पाए, या हमने रख दी ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो आलस की वजह से हो जाती है, क्योंकि पानी बॉयल करना, उसके अंदर एक बॉटल हो तो चलो कर भी ले, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं लाइक पेसिफायर है, टीदर्स है, बॉटल्स है, सबको स्टेरलाइज करना है, तो आप कितना बड़ा यू नो यूटेंसिल यूज़ करेंगे, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और समटाइम्स हम आलस कर जाते हैं, तो वो चांस ख़त्म करने के लिए स्टेरलाइजर होना मेरे हिसाब से बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, मतलब जितना उसका यूज़ है वो उसके हिसाब से मुझे बहुत ही, उसमें भी कई ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको अपना वाला जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, कि जो मैंने लिया था, मैंने मीडियम वाला लिया था, एकदम बेसिक भी नहीं लिया था, उसमें माइक्रोवेव वाला भी आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी ओपिनियन जो है वो उसके अगेंस्ट है, मुझे माइक्रोवेव में जो रख करके स्टेरलाइजर आते हैं मैं माइक्रोवेव यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, इन टर्म्स ऑफ बॉटल्स एंड प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ें अगर मुझे यूज़ करनी है तो। सो वो खैर अलग टॉपिक है, अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, सूनर और लेटर बट बनाऊंगी ज़रूर। सो स्टेरलाइजर आपके पास होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जो आपको लोग एडवाइज़ नहीं करेंगे, बट जब आप एक बार उसे यूज़ करेंगे तो फिर आपको मेरी बात रिलेटेबल लगेगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके सो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है नेल क्लिपर, यानी कि नेल कटर। ये है मेरे पास, अगेन बेबी हक का है ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बेबीज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है ये नेल कटर। और जब मैंने इसे लिया था और तब सब लोग ये कह रहे थे कि अरे ये नेल कटर अलग से क्या लेने की ज़रूरत है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि इसको लेने के पीछे मैंने खुद भी अपना मन काफ़ी टाइम, हालांकि मैं इतना बेबी होने से पहले ही इतना सब कुछ पढ़ती थी और देखती थी और सब समझती थी, तो मैंने इसे एकदम लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर किया था, और लास्ट मोमेंट में मैंने इसे ऑर्डर भी किया था, और मैं इसे हॉस्पिटल भी लेके गई थी, और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने अपना वो नेल कटर लेकर आए बड़ा वाला बड़ों लोगों का, फिर जब मैंने उन्हें ये दिया तो वो लोग काफ़ी उनको अच्छा लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा नेल कटर है, क्योंकि इसकी जो शार्पनेस है, इसका जो डिज़ाइन है छोटा सा है, एक तो छोटे नेल्स छोटे से हाथ को पकड़ने के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही कन्वीनियंट टू यूज़ है ये वाला नेल क्लिपर। सो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे हमारे पास तो है ना अडल्ट वाला जो हम यूज़ करते हैं, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। बेबी के जो सॉफ्ट नेल्स है, सॉफ्ट हैंड है छोटे छोटे से, उसके लिए ये इस तरीके का नेल क्लिपर लेना बेस्ट रहेगा, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, और ये बहुत महंगा नहीं मिलता है, बहुत ही सही कम रेट में मिल जाता है। दूसरी चीज़ एक और भी है कि जो हम बड़ों वाला हम लोग मतलब यूज़ करते हैं नेल कटर, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं वही चीज़ अपने बेबी पे भी यूज़ करूँ, वो भी जब वो न्यूबॉर्न हो, क्योंकि नेल्स के थ्रू बहुत सारे डिजीज़ जर्म्स जो हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड बेबी जब तक 6 मंथ 7 मंथ का ना हो जाए, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए एक लेवल पे, तब तक मैं इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बहुत महंगा भी नहीं आता, अगर मुझे नहीं ऐसा जस्टिफाइड भी लगा तो भी ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेल कटर आ जाएगा, बट यूज़ करने के बाद हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड, आप इसको इस तरीके का नेल क्लिपर ज़रूर ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये पेसिफायर है, जो पेसिफायर बेबीज़ के लिए होता है, मैंने आरब के होने के बाद मेरे ख्याल से 1 वीक के बाद जब वो हो गया था, एंड देन आई रियलाइज कि आई नीड दैट, तो मैंने ऑर्डर किया था पिजन ब्रांड का, मैंने ऑर्डर किया था शायद से, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, उसमें अलग अलग एज रेंज के हिसाब से आता है, तो मैंने पहले न्यूबॉर्न का भी मंगाया था, देन फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो फिर मैंने 6 मंथ प्लस का मंगाया था, ऐसे करके मैंने एक ब्रांड और भी मैंने ट्राई किया था, नाम मुझे याद नहीं है, बट पिजन का तो मुझे याद है कि वो आरब को बहुत पसंद आया था पिजन का। तो मैं आप लोगों को भी हाईली बोलूँगी कि बच्चों को क्या होता है, छोटे जब वो होते हैं एकदम, मतलब जब तक उनके टीथ नहीं आ जाते हैं तब तक उनको कुछ ना कुछ रीज़न से पेसिफायर्स चाहिए ही होते हैं, बट पेसिफायर को यूज़ करने का प्रॉपरली एक तरीका होता है, अगर आपने उस तरीके से यूज़ किया पेसिफायर तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल होगा, बट अगर आपने उसको बहुत ही केयरलेसली यूज़ किया या फिर उसके हाइजीन को मेनटेन नहीं किया तो फिर वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और यहीं पर वो बात आती है जो मैंने स्टेरलाइज़र की बात की, कि स्टेरलाइज़र होगा तो सारी चीज़ें अच्छे से वॉश होके अच्छे से स्टेरलाइज हो जाएंगी बिना किसी मेस के। सो यस, आपके पास स्पेसिफायर भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस और कुछ तरीके से उसको यूज करना भी आपको आना चाहिए।
ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक वॉश क्लोथ। अब मैं अपनी बात बोलूँ तो इनिशियली मैंने वॉश क्लोथ्स नहीं खरीदे थे, बिकॉज मेरे पास एक हैंगी का पूरा बॉक्स था जिसके अंदर करीब 7-8 हैंकीज का पूरा सेट था आ जाए। सो वो नया ही रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये हैंकी तो है, ये मैं यूज़ कर लूँगी आरफ पे, और मैंने उसे काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ भी किया। एंड देन आई सडनली नोटिस कि वो जो हैंकीज होती हैं, जो हम लोगों की हैंकीज होती है, वो सॉफ्ट होती है, बट वो हमारे लिए होती है, बेबीज़ के लिए वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। उनका जो भी कॉटन होता है, उनका जो भी थ्रेड होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, हार्ड होता है। बेबी की स्किन के लिए वो इतना स्मूथ नहीं होता है। सो वो बच्चे को जब मैं करती थी, तो कई बार मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि उससे जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई हो रही है, या फिर थोड़ी सी खिंच रही है, बच्चों को रैशेज होने का चांसेस, मतलब वैसा एकदम रैशेज नहीं हुआ, बट जैसे बोलते हैं ना, बार बार अपने कोई भी एरिया को रगड़ो अच्छे से, तो फिर वहाँ पर एक जलन सी होने लगती है, मुझे काइंड ऑफ वैसा फील होने लगा। देन फिर मैंने वॉश क्लोथ, मैंने कहा चलो यार एक वॉश क्लोथ खरीद ले, और हम लोग उस टाइम कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, तब हमने मैंने मतलब ये वॉश क्लोथ सोचा कि खरीद लेती, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो पता नहीं कहाँ टॉवल होगा नहीं होगा, क्या क्या मतलब कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए, तो चलो एक इस तरीके का सॉफ्ट हैंकी खरीद लेते हैं। हैंकी मतलब वॉश क्लोथ, इसको वॉश क्लोथ बोलते हैं। सो मैंने ये पूरा सेट खरीदा, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको वॉश क्लोथ या फिर बेबी हैंकी क्यों बोलते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, और इसमें कहीं भी आप अच्छे से बच्चे को रब भी करेंगे ना, तो बच्चे की स्किन जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। और जब से मैंने ये लिया, फिर मैंने वो यूज़ करना बंद कर दिया। और मैंने इसका ये 5 या 6 का एक पैक आता है, अलग अलग ब्रांड्स में और अलग अलग प्राइस में आता है। नॉर्मल हैंकी जो अगर आपकी 5 रुपये की आती होगी, तो ये आपको 7-8 रुपये का मिलेगा, ये पक्की बात है। बट टोटली वर्दी है प्रोडक्ट, और मेरे हिसाब से आपको एक सेट तो ले ही लेना चाहिए, जो 6 या 7 का जो सेट आता है, अगर आप वो ले लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा, जो भी मतलब ये मल्टीपर्पज़ होता है, अगर आपने बच्चे को नहलाया है तो आप इससे पोंछ देंगे। ये थोड़ा सा थिक भी होता है, बट बहुत सॉफ्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कहीं थ्रेड नहीं है, बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा। सो आप इससे क्या है कि, और इसका साइज़ भी ठीक है न्यूबॉर्न और छोटे बेबी के हिसाब से, तो आप इससे बच्चे को वाइप भी कर सकते हैं, बच्चे को अगर दूध पिला रहे हैं तो एज अ बर्ब क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे पर्पज़ से ये यूज़ किया जा सकता है, नो इश्यूज़। तो इस तरीके का आप एक ये ज़रूर लीजिएगा, जैसे कि मुझे कन्फ्यूजन था, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल अपने मन में मत रखिएगा, ये सच में काम की चीज़ होती है और आप इसे ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है क्रैडल कैप। बच्चों के आपने देखा होगा स्कैल्प में जब वो छोटे होते हैं, तो एक गंदगी सी और एक स्किन जैसी लेयर सी निकलती रहती है, जब भी आप बालों में हाथ फिराएं या फिर कोम करें या कुछ भी करें, उसको क्रैडल कैप बोलते हैं। और वो एक ऐसी चीज़ है कि वो ग्रेजुअली हम जब उसको रब करते निकालते जाते हैं, धीरे धीरे वो एकदम क्लीन हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा बेबी बड़ा होता है, उसका स्कैल्प जो है वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए मैंने एक्चुअली जब आरफ छोट हुआ नहीं था, तभी मैंने जब प्री डिलीवरी शॉपिंग की थी, तब मैंने आरफ के लिए एक कोम्ब सेट मंगाया था, आई थिंक वो भी मीमी ब्रांड का ही था, कोम्ब सेट था वो। उसके अंदर एक छोटी सी प्लास्टिक की कोम्ब थी, जिसके आगे जो दाने थे वो गोल गोल से थे, नॉर्मल कोम्ब के जैसे एकदम शार्प नहीं थे, एंड उसके साथ में एक ब्रश भी था। तो मैंने एक्चुअली वो हेयर ब्रश जो देखा था, वो मुझे इतना अपील कर रहा था, तब मैंने इतना दिमाग लगा के नहीं खरीदा था कि मेरे को क्रैडल कैप निकालनी है इसलिए मैं उसको ले रही हूँ, बट मैंने सोचा था कि छोटा बेबी है तो क्या उसका पास भी कोम्ब होना चाहिए, और मैं उसकी कोम्ब करती भी थी, डे 1 से मैं उसकी कॉम करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा सा केयर के साथ करती थी मैं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था, अच्छा लगता था, वैसी फीलिंग आती थी जैसे हमारे पास डॉल्स वगैरह होती है, उनको तैयार करते हैं, बस वैसा मुझे फील होता था। तो वो मैंने लिया था, एंड देन फिर बाद में जब मैंने पढ़ा था वो किया, तो मैंने देखा कि अरे मैंने तो सस्ते में काम निपटा लिया है। बेसिकली एक मतलब डेडिकेटेड प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्रैडल कैप ब्रश। उसके अंदर क्या है, इस तरीके का रहता है, और यहाँ पर एक ब्रश बना रहता है सिलिकन का, और यहाँ पर कोम्ब जैसा वो जैसे टीथ्स होते हैं ना कोम्ब के, वो बना रहता है, तो आप यहाँ से रब कर दीजिए और ये वाले कोम्ब से फिर निकाल दीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट है डेडिकेटेड वाला, ये आपको करीब 1500 के आसपास, जो भी थोड़ा 200 प्लस माइनस अलग अलग ब्रांड्स का रहता है, बट एवरेजली 1500 रुपीज़ के अराउंड ये प्रोडक्ट आता है। बट जो मैंने खरीदा था वो तो मेरे ख्याल से 100 रुपये में दोनों चीज़ें आ गई थी, जिसमें कि मिमी का ही एक हेयर ब्रश भी था और एक हेयर कोम्ब भी था। तो वो मुझे बहुत ही सही लगा था, हल्के हाथों से धीरे धीरे आप बच्चों का जो क्रैडल कैप है वो निकालना स्टार्ट, वो ब्रश की हेल्प से आप ऐसे ऐसे निकाल दीजिए। वो ब्रश इतने सॉफ्ट ब्रिजल्स वाले होते हैं कि बिल्कुल भी आपके बेबी के हेड को स्कैल्प को कोई डैमेज हार्म नहीं होगा, बट अगेन आपको थोड़ा सा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो सिर्फ वो निकालने के ही काम आते हैं, उससे कोम्ब कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो ब्रश यूज़ कीजिए, एंड देन फिर वो कॉम है, कॉम से जब आप बालों को कॉम करेंगे तो जो भी आपने वो डर्ट निकाली होगी स्कैल्प में से, वो सारी क्लीन आउट हो जाएगी। सो वो मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद था। पहले तो मैंने एक सेट खुद खरीदा था, और एक जॉनसन बेबी का जो पूरा किट आता है उसके अंदर भी वो मिलता है, उस किट के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से आरफ के पास 3-4 हो गए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ कुछ गिफ्ट किए थे, तो मैंने सारे ही यूज़ कर लिए थे, क्योंकि वो जैसे ही गंदा होता था तो फिर मैं
ऐसे करके मैंने तीन चार जो थे वो सारे यूज़ कर लिए थे। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर से क्रैडल कैप के लिए ये जो मैंने बताया ट्रिक आप वो कर सकते हैं, आपका 100 रुपये में काम बन जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप 1500 वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद एक बोनस टिप मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अपने पास हमेशा एक छोटा सा हींग का बॉटल ज़रूर रखिए जिसमें थोड़ी सी हींग हो। हींग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जब भी कहीं भी बच्चे को तैयार करके बाहर लेकर के जाते हैं तो अपने बच्चों के फुट पे यहाँ पर या फिर यहाँ पर जो भी कुछ एक्सपोज्ड एरिया जहाँ पर कि आप लगाएं और हींग की थोड़ी सी फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी निकले, तो उससे कोई भी मॉस्किटोज़, कोई भी इंसेक्ट, कुछ भी इस तरीके का जो नेगेटिव चीज़ें बाहर घूमती रहती हैं बच्चों को हार्म कर सकती हैं, वो बच्चे के पास आना अवॉइड हो जाती है। आई डोंट नो ये कितना इफेक्टिव होगा, मतलब 100% है कि नहीं, बट ये मैं ऐसा करती थी एंड इसलिए मैंने आपको ये बोनस टिप दिया है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत सही लगेगा। तो छोटा सा हींग का डब्बा आप अपने बेबी के पास हमेशा ही रखिए, उसका जो भी किट है आपको पर्स जहाँ पे भी, कि कहीं भी अगर आप भूल गए तो फटाफट से बच्चे के यहाँ पर मेनली आप लगा सकते हैं या फिर बच्चे के रिस्ट में लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी बाहर मतलब ऐसी चीज़ें ना, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, मच्छर, मक्खी, कुछ भी जो आपके बच्चे के पास आना चाहिए, तो वो फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि उन लोगों को दूर रखेगी। ओके, सो यस, ये थे मेरे कुछ 10-12 टिप्स। आई होप कि आप लोग बोर ना हुए हों, आप लोगों को मज़ा आया हो, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं या फिर आपको बहुत इंप्रेसिव लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाले 2-3 वीडियोज़ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसी तरीके के हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और भी ज़्यादा डीप में मुझे जानने के लिए, अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। माई लाइफ माई एक्सपीरियंस इज़ माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम। Bye and take care.